हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है सबके? मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल, और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का मैच किसके अगेंस्ट है हमारा और क्या टाइप का मैच है। अभी देखा है ऐसे होते हुए हैं? इतनी जल्दी जल्दी दिन जाते हुए देखा है कभी? देखिए कितनी फट से एकदम 7वें दिन पे आ गए हम। पहले कुछ ट्रेनिंग देख लेते हैं पहले एक बार फिर से। आज कौन सी ट्रेनिंग की जाए? कौन सी ट्रेनिंग करे? बॉक्स जंप करते। चलो थोड़ा इजी से स्टार्ट करते। भूल गया मैं पढ़ना करना क्या है। ओके, समझा मुझे क्या करना है। ये उतर जा नीचे। उतर जा। बहुत लेट करता है भाई ये। उतर जा नीचे वापस। उतर जा ऊपर और खत्म। सिल्वर मेडल। फिर से एक बार फिर से ट्राई करेंगे गोल्ड मेडल मिलता है कि नहीं इसमें। देखते फिर से गोल्ड मेडल मिलेगा या नहीं बॉक्स जंप में। यूज एल एन रोटेट इन अ फुल सर्कल टू वाइंड अप बिफोर द प्लेयर जंप्स। वंस अ फुल रोटेशन इज अकर्ड प्रेस करस्पॉन्डिंग बटन टू जंप एंड देन। ओके तो स्टार्ट करते हैं। उतरो। करो तो उतरो। करो तो उतरो। ये क्या हो गया? ये रेड क्यों हुआ भाई? हैं ये सिल्वर मेडल। चलो ठीक है, आज का दिन नहीं है हमारा गोल्ड मेडल जीतने का। कोई बात नहीं, चलो मैच पे चलते हैं डायरेक्टली अब। तो गाइस एज यूजुअल सब्सक्राइबर पोल आपको दिख रहा होगा। क्या कर रहे हो गाइस? हमें टारगेट कंप्लीट करना है फेब्रुआरी के पहले, और अभी भी टारगेट से हम लोग 88 सब्सक्राइबर्स पीछे हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो यार, अनसब्सक्राइब करके क्या होगा? चैनल को मिलेगा सपोर्ट तभी तो हम आगे बढ़ेंगे साथ में। तो आ चुके हम ग्राउंड पर। Good morning and welcome. ये रही हमारी I'm टीम्स। Mike Atherton and with me for this match is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy and the one and only. चलो सर, बहुत बोल लिया आपने, हम चलते हैं टॉस पे। हमारे कैप्टन ने टॉस उछाला, उदयपुर ने कॉल किया हेड्स और टेल्स आया, यानी हमारा कैप्टन टॉस जीता है। देखते हैं आज क्या हमारे कैप्टन का दिमाग चल रहा है, हमारे होम ग्राउंड पे क्या करने की कोशिश रहेगी उनकी बैटिंग Looking करने के like a लिए। batting paradise out ओके there. Easy decision, and the captain will be hoping the team can get plenty of runs on the board. तो बैटिंग चॉइस की है यहाँ पर। खत्म। बैटिंग ही नहीं मिली हमें T20 गेम में, लेकिन बहुत कम स्कोर बना है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अंदाजा। देख लेते कितना स्कोर बना है, एक बार देखते कितना स्कोर बना है स्कोर कार्ड में हमारी टीम ने। कितने पापड़ बेले है? कोई पापड़ नहीं बेले। मोहन उस्मान भैया बहुत गजब खेले है T20 गेम में। 16 रन बनाए 27 बॉल खेलकर। उसके बाद थोड़ा प्रेशर डाला मले ऊपर, मले वो भी बहुत बढ़िया खेले हैं। कुछ नहीं बोल सकते इन दोनों लेजेंड्स के लिए। अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स वाले प्लेयर्स हैं ये दोनों। और हमें थर्ड ओवर दी गई है। थोड़ा नहीं ठीक है, एक बार यही फील्ड से देख लेते, ट्राई करते यही फील्ड से खेलने के लिए। बढ़िया बॉल स्टार्ट अच्छा हुआ है हमारा। थोड़ा वही लाइन पे गेंदबाजी करने की ट्राई करते, टेस्ट मैच वाला लाइन और लेन। ये नो बॉल कैसे हो गया यार? अबे यार, ये अपडेट के बाद ये क्या नया? बहुत बढ़िया। अरे भाग, और मैंने तो पूछा था अबे अबे अपील कौन करेगा? अपील का भी चेंज कर दिया क्या इन्होंने? क्या यार,
सीधे खेल दिया, पेल दिया, बजा दिया, खत्म, करियर खत्म. Nearly got through them. Just got onto it in time with enough bat speed to pick up four. दोनों ऑफ साइड पे रखे और मैं लेग साइड पे फील्डिंग उसको माने दूंगा तो मेरा किस्मत. अरे गुड फील्डिंग भाई, फील्डिंग सुधर गया है बहुत अच्छी तरीके से. लेकिन 5 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में. अब हमें संभल के खेलना पड़ेगा और कोई रन ना दे हम ट्राई करेंगे. कहाँ होगा पॉसिबल ऐसा भैया, ये कैसे पॉसिबल होगा T20 गेम में कि हम इतने रन ना दे, 5 रन दे के निकल जाए. और भैया चेंज तो करना पड़ेगा फील्ड अपने को, फील्ड तो चेंज करना बनता ही है इसके बाद. नो बॉल नहीं यार, नहीं नहीं भाई, नो बॉल नहीं. गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती है. बॉल एंड कॉल्ड ऑन द फ्रंट फुट, एट लीस्ट दे हैव गॉट एन एक्स्ट्रा बॉल टू गो फॉर द विकेट. अब इधर मार दिया भाई, खत्म कर दिया हमारा पूरा करियर पहले ही ओवर में, खत्म. बाय बाय टाटा, गुड बाय. 2 ओवर में 7 रन थे, 15 रन मार दिए हमारे इस ओवर में यार. फिर दूसरा ओवर ना मिले तो अच्छा है. अच्छा फिर दूसरा ओवर भी दिया है, कैप्टन हमारा डीट है बोलते और मार खा ले. इतने मार में मेरे को खुशी नहीं मिली. ओ बढ़िया बॉल, ए लग जाती भाई, जैसे नो बॉल चले जा रहे कम से कम एज ही लग जाती है एक बार. बढ़िया पकड़ भाई, पकड़, भागने ना दियो. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. How's that? ये तो पूछ ही ना रहा मेरा प्लेयर. अभी तू भी पूछ ले कभी, थोड़ा मेहनत कर ले, कुछ ना हो जाएगा. इतना मेहनत कर लेगा तो थोड़ा सा इनसाइड एज और खत्म करियर हमारा. फिर से इतनी बढ़िया गेंदबाजी करके भी कोई मतलब नहीं है. Only a touch full and put away. पकड़ भाई, सही है, चलो अच्छा है. ये ओवर तो ठीक ठाक आया कम से कम, इसमें ज्यादा रन नहीं गए अभी तक, नहीं गए हैं. अभी एक और बॉल बचा है, पता नहीं इसमें क्या होगा. इस बार हमने थोड़ा उनकी कमजोरी नहीं देखी है, हमारी कमजोरी पे पहले. अरे बच गया यार, हमारी कमजोरी पे फोकस करना पड़ेगा हमको पहले. बढ़िया ओवर, 4 ही रन आए इस ओवर से पहले ओवर में, लेकिन हमको अच्छा खासा पिटाई हुआ था तो इस ओवर में उस हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलिंग हुई है. तीसरी ओवर के लिए हमें दिया गया है वापस से, इंटरेस्ट किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी. चलिए डिफेंसिव फील्ड पे खेलते हैं हम. ओके, और इसका ये क्या है, ड्राइव, ड्राइव एक स्किल है. और फील्डर रखा है हमने स्क्वायर रीजन पे, ऑफ साइड पे, गलत बात. फील्ड तो वही रखता हूँ मैं जो रखी थी मैंने, भले चाहे बाउंड्री चली जाए. ड्राइव करवाएंगे, ट्राई करेंगे ड्राइव करवा के विकेट ले सके इसका. अबे यार बच गया. Reckless heave. This batter is usually a bit more elegant in their stroke play than this. Poor batting. ये बच गया फिर से. Collects that one, simple as you like inside the ring. T20 में तो हमारी बैटिंग ही ना आती, 5 नंबर तक पहुंच ही ना पाते कोई. इतने ही बॉल खेल लेते बड़ी बुरी तरीके से, स्लो स्लो में. There'll be one run here for them. मेरे कैप्टन ने सोच के बॉलिंग ले रहेगी कि भाई चलो बच्चे लोग रन मार देंगे. बच्चे लोगों ने पूरा पानी फेर दिया कैप्टन के भरोसे पे. ओ कट कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत बढ़िया शॉट मार दिया. वैसे कैसे हो सकता है कि एक ओवर में एक चौका ना पड़े, पॉसिबल ही ना है, बिल्कुल भी पॉसिबल ना है. कैसे पॉसिबल है भैया कि एक ओवर में एक बाउंड्री ना दे हम. What a beautiful shot. और ये फिर एक बार गेम अटकते हुए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, गेम को अटकती रहती है जब देखो तब.
बढ़िया बॉल, लेकिन फिर भी सिंगल आ गया। इतनी बढ़िया गेंदबाजी करके जब रन आए तो और क्या ही कर सकते। 7 रन आए उस ओवर से भी, 3 ओवर में 25 रन दे चुके और अब तक एक भी विकेट नहीं मिली है हमको। आखिरी ओवर के लिए आएंगे हम, कौन सी ओवर डालने आएंगे पता नहीं। आखिरी के लिए 18वां ओवर डालने आए हैं, आखिरी 18वां ओवर डालने के लिए आए हम लोग, और पहले ही बॉल पर बजा दिया गया, बुरी तरीके से धो दिया गया। यॉर्कर डालने की कोशिश की थी मैंने, ट्राई तो वही करेंगे यॉर्कर पे, यॉर्कर डालने का स्टंप पे, वो भी डायरेक्टली। मार खाए तो मार खाए, कोई बात नहीं। The fielder could only pick that up off the boundary rope, punched that away through the covers with. Exquisite timing. Going a bit more conservative with this field. भाई अब तो हाथ में आ जाएगा। अबे यार, there was minimal follow through, just great timing to punch. It's through the field for 4. Going more defensive with the field choice. Yes. Very quick. 13 run to वैसे ही आ चुके, कोई मतलब नहीं बॉलिंग करके अपनी। A little flick of the wrist to get it round. अब अगर रन ना आए तो अच्छा है। अब रन आ गया तो करियर खत्म हमारी टीम का भी, मेरे साथ में। मेरा तो कर ही दिया इन्होंने, और हमेशा ही T20 में करते हैं, मेरा करियर खत्म। एक रन आया, चलो ठीक है। एक और बॉल बाकी है अभी तक, 4 ओवर में 40। ये इकोनॉमी तो हमेशा से रही है मेरी T20 के गेम्स में। जैसे मैंने कहा 4 ओवर में 40 रन, ये इकोनॉमी तो होनी चाहिए, नहीं तो T20 गेम कैसे खत्म होगी मेरी। अब चाहिए 12 गेंदों पर 14 रन, देखते हैं जीतते हैं या हारती है टीम। और स्पिनर को दिया, वाह भाई, This has been a famous victory for much मजेदार। We didn't know who was going to win. डेथ ओवर में स्पिनर्स को दिया हमारे कैप्टन को, तो 21 तोपों की सलामी, हार चुके हमारी टीम। तो बनती है हमारी टीम के बैट्समैनों को, हमारी टीम के कैप्टन को भी, और साथ में हमें भी। कोई बात नहीं, हम भी बहुत बढ़िया ही बॉलिंग कर दिए थे। तो चैट, अगला गेम होने वाला है 50 ओवर क्लब मैच, फिर से उदयपुर की टीम के साथ में, जो कि फिर से हमारे होम ग्राउंड पर होगा, या फिर से हमारी टीम के बैट्समैन हगेंगे अगर बैटिंग ली पहले तो। हमेशा की तरह हगते ही रहते टीम के बैट्समैन, पता नहीं इनको हगने को इतना क्यों आता है, ग्राउंड पर जाकर ही हगने को चाहिए। तो कंटिन्यू करेंगे हम ये गेम को अगले एपिसोड में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ाइए हमारे चैनल पे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में जो एग्जिस्टिंग है हमारे यूज़र्स। और एक हमारे भाई ने रिक्वेस्ट किया था हमें कि डिफ़िकल्टी दिखाना, लेकिन भूल गया मैं, तो कोई बात नहीं, डिफ़िकल्टी हम अगले एपिसोड में पक्का बताएंगे, बिना भूले मैं बताऊंगा आपको डिफ़िकल्टी क्या है। वैसे डिफ़िकल्टी वही है जो राहुल आर के गेमर चैनल पे, उन्होंने अपनी डिफ़िकल्टी कस्टमाइज़ करके रखी है, मॉडर्न हार्डेस्ट डिफ़िकल्टी है, उसी डिफ़िकल्टी पर हम लोग भी खेलते हैं। मे भी थोड़ा सा पीछे रहेंगे हम लोग डिफ़िकल्टी में, पूरा लेटेस्ट अपडेटेड डिफ़िकल्टी मेरे पास नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने अब तक शेयर नहीं किया है उनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, तो जैसे वो शेयर करेंगे तो हम उसी सबसे अपडेट कर लेंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी मोर देन हार्डेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।